हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सिप्रा। मैं आज आईलाइनर एक्स के बारे में शेयर कर रही हूँ कि वो इजी है या नहीं और सही काम करता है कि नहीं, इसी के बारे में आपसे शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जाएगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करता। सबसे पहले एक ही स्टेप के बॉबी पिन ले रही हूँ, इस पर आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। अब इसे आई कॉर्नर पे रखे अच्छे से, हल्के हाथों से प्रेस करें। अब इसे इससे इसी हेल्प से इसको फील कर लेते अच्छे से इसके हेल्प से। देख सकते हैं ये वाला तरीका बेस्ट है, इसे इजीली अप्लाई करते हैं, बस 2 मिनट में बन जाते हैं ये वाला। अब इसी पे दूसरा तरीका देखते हैं वो भी अच्छे से काम करता है या नहीं। एक स्टेप की यू पिन ले, मैं इसे अच्छे से फैला लिए हूँ। इसका एक ही पे एक साइड में अच्छे से आईलाइनर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हल्के हाथ तो बहुत ही रिक्सी है, कभी भी आंखों में लग सकती है। आपको जैसे सुविधा हो ऊपर या नीचे ऐसे ही करें, वरना आंखों में चुभ सकती है ये। इसे आंखों के लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करें। तो ये वाला तरीका तो कर सकते हैं इसे, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आपको हो सकता है, बट हम पहला बार की हंसते हैं, ये है और कुछ नहीं मिला इससे। तो चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। सबसे पहले एक आई शैडो एप्लीकेटर ले, इसे ट्रायंगल शेप में कट कर ले। मैंने अच्छे से कट कर लिए ट्रायंगल शेप में। अब इस पर आई शैडो अप्लाई, आई लाइनर अप्लाई करें, सॉरी। इस पर अच्छे से आई लाइनर अप्लाई करने के बाद अब इसे इस कॉर्नर पे रख कर देख ही सकते हैं, ये भी पूरा फर्स्ट वाला ही जो था वही ठीक है, ये वाला भी यही है। इससे कोई काम का है नहीं ये, इसे ना अप्लाई करें तो ही ठीक है। इससे ये दोनों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद अच्छा हो सकता है, बट ये वाला नहीं होगा। इसको अच्छा से अगर शेप दे सकते हैं उसके बाद ही होगा, ऐसे नहीं हो सकता ये वाला। तो चलिए देखते हैं दूसरा तरीका। सबसे पहले एक टेप ले, मैं यहाँ पे गोल्डन टेप ले रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी टेप्स ले सकते हैं, मैं यहाँ पे गोल्डन टेप ले रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से इस कॉर्नर पे अब जितना जगह गैप है उस पर आईलाइनर अप्लाई करेंगे। पूरा अच्छे से अप्लाई करने के बाद अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसे थोड़ा देर ड्राई होने दे, उसके बाद इसे निकाल ले। अब इसे धीरे धीरे से मैं निकाल रही हूँ, ड्राई हो गया है मैं उसके बाद ही निकाल रही हूँ। इसके ऊपर से फिर से आपको थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा, उसी के बाद ठीक होगा आपका ये वाला। मैं फिर से इसके ऊपर से अप्लाई कर रही हूँ हल्का सा, कॉर्नर से मिला देती हूँ तब ठीक हो जाएगा ये। देख ही सकते हैं, बट थोड़ा सा हल्का सा मोटा हो गया है, बस इसे प्रैक्टिस करने के बाद ये भी हो सकता है। इन चारों में तीनों जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस से बहुत ही अच्छा और अच्छा सा अच्छा आईलाइनर बन जाएगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।